इस चुनावी जनसभा में मंच पर हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता आकाश आनंद जी, मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के सभी नेता पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के सभी हमारे प्रमुख नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी, आरएलडी के देवेंद्र सिंह जी अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम में जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, बुनकर भाई, बड़ी संख्या में जिन्हें मैं देख रहा हूं माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये जो पंडाल हमें दिखाई दे रहा है, ये जो बगल में एक पंडाल बना है उसका दुगना पंडाल है ये, और ये कंफ्यूजन कहीं ना हो हमारे पत्रकार साथियों को। जब मैं आया जनसभा में तो हमें दोनों पंडाल देखने को मिल गए और हमने ऊपर से ही गिन लिया कि कितने खंभे वाला ये पंडाल है, और इस पंडाल को देखने के बाद बगल का पंडाल देख लेना, इसका आधा है, और जिन्होंने पंडाल आधा बनाया हो तो सोचो परिणाम उनका कैसा होगा। जिनकी तैयारी आधी हो, जो पहले से ही हार मान गए हो, उनका परिणाम अब कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करने आए हैं और खासकर से अपने समाजवादी साथियों से अपील करने आए हैं। समाजवादी साथियों से हम विशेष अपील कर रहे हैं कि जहां बहुजन समाज पार्टी आरएलडी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से मदद कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उनसे बढ़ चढ़ करके मदद करने का काम करें। ये जो चुनाव प्रदेश का हो रहा है और देश का चुनाव, ये पहली बार अलग रंग में दिखाई दे रहा है। इस बार चुनाव का रंग बदल गया, जहां देख रहे हैं वहां नीला, लाल और हरा ही दिखाई दे रहा है। ये अब दूसरे वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये जो चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही है, ये बता रही है कि जब 19 को वोट पड़ेंगे तो सबसे ज्यादा हाथी चुनाव चिन्ह पर वोट निकलने वाले हैं। इन बीजेपी के लोगों से 5 साल का हिसाब किताब लेना है। ये दिल्ली की सरकार में रहे 5 साल, और अगर बाबा मुख्यमंत्री के 2 साल जोड़ दें तो बताओ 7 साल का हिसाब किताब होना है कि नहीं होना है। जो वादे किए सब भूल गए। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे आज सब वादे भूल गए। जो सपने दिखाए थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने सपने दिखाए थे, आज उन सपनों की बात नहीं कर रहे। याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। बताओ कहां है अच्छे दिन? और हमारे किसान भाई बैठे होंगे, किसान भाइयों को भरोसा दिलाया था
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो लागत का उन्हें डेढ़ गुना मुनाफा फसल का मिल जाएगा। बताओ कहां फसल का मुनाफा मिला है आपको? डीजल पेट्रोल सब जरूरती चीजें महंगी कर दी, और जब फसल आई तो हमारे किसानों को कीमत नहीं मिल पाई। बताओ नौजवानों, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, कहां है वो नौकरी? नहीं दे पाए नौकरी। हमारी माताएं बहने बैठी हैं बड़ी संख्या में, इन्हें गैस सिलेंडर दे दिया, चूल्हा दे दिया, वो भी पुराने सिलेंडर दिए और इतने महंगे कर दिए कि अब हमारी माताएं बहने दोबारा भरवा नहीं पा रही हैं, नहीं भरवा पा रही हैं। और अगर भरवाने भी जा रही हैं तो वही नोटबंदी जैसी लाइन में लग करके उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। याद कीजिए, नोटबंदी की थी, बताओ नोटबंदी से कहां किसको फायदा पहुंचा है? ये नोटबंदी कर करके हमारे बुनकर भाइयों का कारोबार रोक दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया, और जो अर्थव्यवस्था देश की चल रही थी उसको रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज उद्योगपति भारत छोड़ करके जा रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अब कोई इस भारत में कारोबार नहीं करना चाहता है। नोटबंदी के समय पर जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया, कुछ तो हवाई जहाज से भारत छोड़ करके चले गए, और जीएसटी लागू होने के बाद न जाने कितने भारत के कारोबार अच्छा करने वाले भारत छोड़ करके चले गए। बताओ, सवाल अगर ये है कि अगर हमारे देश से व्यापार चला जाएगा, कारोबार करने वाले चले जाएंगे, तो बताओ हमारा देश खुशहाली के रास्ते पर कैसे जाएगा? नहीं जाएगा खुशहाली के रास्ते पर। जहां इन्होंने किसान व्यापारियों को धोखा दिया है, वहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी खत्म करने का काम किया है। अर्थव्यवस्था खत्म होने के बाद हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं मिल पाएंगे। यही नौजवान जिन्होंने भरोसा कर लिया था, सपने दिखा दिए थे, जब नौकरी मांगने गए तो कहा कि जाओ पकोड़े बनाओ, अब नौकरी और रोजगार तुम्हें नहीं मिलने वाला। बताओ नौकरियां कहां हैं? और पहले आए थे वो चाय वाला बन करके, बताओ चाय वाला बन करके आए थे कि नहीं आए थे? अब तो चाय का स्वाद पता लग गया होगा, कैसी निकली चाय? अब दोबारा तो नहीं चाय पियोगे? और जो चाय वाला बनकर के आए थे वो अब चौकीदार बनकर के आ रहे हैं। और अगर ये जो चौकीदार बनकर के आए हैं, इन्होंने सब काले धन वाले उद्योगपति भारत छोड़ जाने दिए, और अगर ये बात आप जानते हो, जो बात कह रहे हो अगर ये बात जानते हो, तो बताओ चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? तो ये केवल चुनाव चाय वालों का नहीं है, चौकीदारों की चौकी छीनने वाला भी चुनाव है। और फिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे चल रही है? अगर अखबार पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, तो अभी रायबरेली में केवल उल्टी गाड़ी दिखाई दी है तस्वीर में। कानून व्यवस्था के नाम पर हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जाओ ठोक दो, और ठोक दो का असर ये हुआ है कि हमारे पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी समझ लिया कि ठोकने से ही कानून व्यवस्था ठीक होगी। तो जहां उन्हें मौका मिल जाता है तो वह कभी कभी जनता को ठोक देते हैं, और जहां जनता को मौका मिल रहा है
वहीं पुलिस को ठोके दे रहे हैं, ऐसी ठोको नीति है। और अभी रायबरेली में उन्हीं के लोगों ने सीख ली ठोको नीति। जिला पंचायत का चुनाव जीतने के लिए बताओ भारतीय जनता पार्टी ने ठोको नीति मानी है कि नहीं मानी है। और यही नहीं, इनके सांसद विधायक भी एक दूसरे को ठोक रहे हैं। और ऐसा ठोको नीति चलाई है कि एक सांसद जी ने विधायक जी के सर पर 21 जूतों की सलामी दी। ये पत्रकार साथी कभी कभी बहस करते हैं हमसे कि वो 21 जूते नहीं थे, वो 7 जूते थे। हमने कहा कि अगर सांसद जी को नहीं रोका गया होता तो वो 21 जूतों की सलामी थी। बताओ उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। यही पुलिस जो 100 नंबर से चलती थी, यही हमारे जवान जब 100 नंबर में चलते थे तो उन्हें सम्मान की नौकरी लगती थी। और ये 100 नंबर इसलिए चलाया था कि हमारे पुलिस के लोग जाएं और कहीं गरीब या कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद कर दें। लेकिन पता नहीं 100 नंबर में क्या किया, वो भी बर्बाद कर दी। जो थाने की बुराई थी वो 100 नंबर में आ गई। जो 100 नंबर में बुराई आई है, बताओ बुराई आ गई कि नहीं आ गई। ये कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों के खिलाफ न जाने कितना अन्याय कर रहे हैं। और याद कीजिए वह समय जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें मौका मिल जाएगा तो हमारे गरीब और पिछड़े और दलित उनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनका पूरा का पूरा मुकदमे तेजी से खत्म कर दिए जाएंगे। कोई मुकदमा खत्म नहीं हुआ। और 5 साल का अगर हिसाब किताब लगाएंगे तो 30 लाख मुकदमे बढ़ाने का काम अगर किसी की सरकार में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे गरीबों पर 30 लाख मुकदमे बढ़ गए। ये है इनकी व्यवस्था। और हमें और आपको क्या समझते हैं ये लोग। ये हमारा साथी जो याद दिला रहा है, कभी सोचो एक सरकार बनी और दूसरी आ गई होगी, कभी किसी सरकार ने दूसरे को अपमानित नहीं किया होगा। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री सरकार में आए तो जो मिला उनको अपमानित करने का काम किया। जब हम अपने मुख्यमंत्री आवास से निकले तो बताओ गंगा जल से धुलवाया था कि नहीं धुलवाया था गंगा जल से। और हमें बदनाम करने के लिए हमारे पत्रकार साथी वैसे तो कभी जल्दी सुबह नहीं उठ पाते हैं क्योंकि रात भर इनको बहुत काम करना पड़ता है। पता नहीं उस दिन कैसे सुबह 8 बजे हमारे घर में चले गए और बदनाम करने के लिए कहा कि हम टोंटी ले गए हैं। और हमारा ये